अगली खबर करनाल से, जहां करनाल के श्याम नगर में दर्शन नाम से डेयरी का कार्य कर रहे संजीव शर्मा द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक संजीव शर्मा द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियरों द्वारा लेन देन के मामले में तंग करने की बात लिखी है। मृतक द्वारा सुसाइड नोट लिखने के बाद जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई, जिसको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान मृतक संजीव शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि पैसे के लेन देन में फाइनेंसर इनको तंग किया करते थे, जिससे परेशान होकर इन्होंने यह कदम उठाया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का पूरी तरह से संज्ञान लिया और सुसाइड नोट के आधार पर वह परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन आरम्भ कर दी गई है। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। ऐसे जी, मैं सुसाइड करने वाले का छोटा भाई हूँ। क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र उर्फ गोल्डी है और ये डीसी कॉलोनी के रेनू लाठर नाम के एक आदमी ने कुछ पैसे दे करके उन पैसों के ऊपर इतना वो डाल दिया कि फिर वो ब्लैकमेल करने लग गया। लाखों के हिसाब से, फिर करोड़ों के हिसाब से उसने पैसे बनाने शुरू कर दिए, तो जो कि हम लोग इतना पैसा नहीं दे पाए। फिर उसने ब्लैकमेल किया कि मुझे चेक ला के दो, अपना चेक ला के दो, अपने भाइयों का चेक ला के दो। अब बोल रहा था कि अपने बेटे का चेक ला के दे, नहीं तो मैं तुझे मारूँगा, तेरे बेटे को मारूँगा। मतलब बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर करने लग गया था, जिस वजह से ये हमारे भाई ने सुसाइड किया। क्या नाम उनका? उनका संजीव शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? श्याम नगर। तो क्या कार्य करते थे? ये डेयरी का, दर्शन डेयरी के नाम से डेयरी। तो किस चीज का फाइनेंस का क्या कुछ था? फाइनेंस नहीं था ना जी, वे वैसे 5 लाख रुपए एक बार उनसे लिए थे, वो 5 के फिर कुछ दिन के बाद 10 कर दिए, फिर 15 कर दिए। वो कई दफा ये पैसा जो है हम लौटा चुके हैं, लाखों के हिसाब में लौटा चुके हैं। अभी कुछ और भी उन्होंने अभी मतलब ब्लैकमेल करके या पैसा हमें इतना और चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मतलब तंग आकर के ये काम किया। पुलिस में रिपोर्ट करवाया? पुलिस में रिपोर्ट की है। क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई तो बस अब करेंगे पुलिस वाले। यही है जो भाई साहब ने बताया, यही कि 5-1 लाख रुपए लिए थे इन्होंने कह रहे हैं, जो तो कई 5 लाख दे चुके हैं ये, उसके बाद भी अब वो जो कह रहे हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे थे, तो यही है मैटर। तो भाई उनको इंसाफ मिलना चाहिए और पैसा भी काफ़ी जा चुका है, प्लाट भी इनके जा चुके हैं। कोशिश तो यही की जाए कानून भाई, इनको पैसा भी कुछ वापस दिलाया जाए जो दिए, और इंसाफ भी मिले। कब की है, कब सुसाइड की उन्होंने? इन्होंने भी परसों किया था, लेकिन डेथ कर ली है। तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस अभी तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है कल, देखो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर है, हमने तो कराया सारा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।